बारू क्या हाल है? ठीक है? कहाँ से गया था इधर? कहाँ गया था? दो दिन पहले तो बारिश ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया। इतनी तगड़ी बारिश थी जो आपको बरसात में ही देखने को मिलती है। बिल्कुल गाइस, मैं ना सो रहा था और सुबह ही आंख खुली तो देखा कि बहुत तगड़ी बारिश आ रही है, तो मैं बाहर निकला और तो देखा वाओ अमेजिंग, बिल्कुल बरसात वाली फीलिंग आ रही थी उस बारिश से। उस बारिश का लगभग एक मिनट का वीडियो बनाया था अपने सेल फोन में। मैंने सोचा इस व्लॉग के बहाने उसको इसमें ऐड कर दूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसी बारिश को दिखाने वाला हूं। मैं सोचता हूं जो मेरे जिंदगी में घटता है ना, जो भी घटित होता है, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूं, ताकि उसको बड़े होकर उसको देखा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। काफी अच्छा लगता है जब हम अपनी पुरानी वीडियो देखते हैं। चलो फाइनली गाइस, आज के लोग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं जो दो दिन पहले बारिश आई थी ना, सर्दी में काफी तगड़ी थी, बरसात की याद दिला रही थी। आज का लोग जो मैं बना रहा हूँ ना, वह अपने रोड से जा रहा हूँ, मैं फिलहाल अपनी शॉप पर यहीं से जाते जाते उसको बना रहा हूँ। चले फाइनली गाइस, आज के लोग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं उसी बारिश को। गाइस एक बात कहो ना, पैदल चलने का भी अपना अलग ही मजा होता है। फिलहाल मैं इस रोड से जा रहा हूँ तो पैदल चलने में काफी मजा आ रहा है, क्योंकि साइड में जो हरियाली है ना, वह भी अपना अलग ही मजा दिखाती है, उसका भी अपना अलग ही आनंद आता है रास्ते से चलकर जाते हुए जब पैदल जाते हैं। हरियाली तो देखिए ना क्या दूर तक दिख रही है, काफी माइंड ब्लोइंग अमेजिंग। और सन सूरज बात ही मत पूछिएगा। जब आप पैदल रास्ते से जाते हैं तो आपको कुछ ये सिस्टम भी मिलते हैं, इनको रास्ते से हटा दिया करो, यह भी एक सवाब का काम है। रास्ते से किसी तकलीफ देह चीज को हटाना यह कभी सवाब का काम है, इसको हटा दिया करो भैया। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको बचपन से लेकर इंसान तब तक वह बड़ा होता है उसको देखता ही रहता है। यहाँ पर ये हमारा सरकारी ट्यूबवेल बोलते हैं जिसको, यह काफी फेमस है, इसको हम बचपने से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल गाइस, अगर रास्ते में कुछ चीज ऐसी पड़ी रहती है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि बाइक जाती है अचानक दिखता नहीं है कुछ सामान और उस पर स्लिप हो जाती है बाइक, तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए रास्ते से उसको हटा दिया करो जो आपको मिलता है रास्ते में तकलीफ देह चीज। सरसों को तो देखिए ना क्या अच्छा फल आया हुआ है, माशाल्लाह से खूबसूरत आ रहा है ना, बिल्कुल लुक आ रहा है जी, अमेजिंग वाला, माइंड ब्लोइंग। और उधर जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, सरकारी ट्यूबवेल, और मुझको मेरा घर भी दिख रहा है यहीं से, अगर जूम करूं तो दिखेगा क्या? जी बिल्कुल दिख गया है जी, वह रहा हमको अपना घर दिख गया है यहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से। रियली में बात करूं तो बिल्कुल मजा आ रहा है आज का व्लॉग शूट करने में, पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा है। गाइस क्या आपको मालूम है कि दुनिया का आठवां अजूबा क्या है? बिल्कुल गाइस, दुनिया का आठवां अजूबा है औरतें। दो औरतों को आप एक साथ इकट्ठी कर दो, वह चुप नहीं बैठ सकती, जैसे कि फिलहाल जा रही थी आंटियां यहाँ पर, चुप नहीं, एक दूसरे की इधर उधर की चुगली जरूर होती है। सच बताऊं तो अब यह अजूबा इंसानों में भी आ गया है, यानी मर्दों में भी आ गया है, एक साथ अगर दो बैठते हैं तो एक दूसरे की चुगली जरूर करते हैं। तालिब भाई क्या हाल है? आजकल के इंसान भी कितनी ज्यादा मेहनत करने लगे हैं ना, लड़का गया है ना फिलहाल मिस्टर तालिब का नाम इनका, दिन में पूरा दिन काम करते हैं और शाम को 5 बजे 4 बजे अपनी जो ठेली होती है अंडे बेचते हैं, जो बस स्टैंड है खेड़ामगल वहाँ पर अंडे बेचते हैं शाम के वक्त। अच्छा लगता है जब कोई इंसान इतनी तगड़ी मेहनत करता है सुबह शाम। बिल्कुल ये आपको दिख रहा है ना, जा रहा है व्हाइट व्हाइट, इसको बगुला कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बगुला, भगत भी कहते हैं इसको, भगत। और ये जो जानवर होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा खाता है, फिर भी इसको भगत कहते हैं,
ये भगत है जी। जैसे टोपी ओढ़कर गाने अच्छे नहीं लगते ना, अगर कोई बंदा टोपी ओढ़कर सर पर गाने सुन रहा है तो वह अच्छा नहीं लगता, इसी तरीके से अगर कोई भगत है तो और वह मीट मच्छी खाए बिल्कुल भी नहीं, यह बात हजम होने वाली नहीं है। और यह बुकला भगत है और फिर भी मीट मच्छी खाता है। मारू क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से गया था इधर? कहाँ गया था? इंगई आओ तो। अरे पजामा क्यों ले रखा? मैं पहनूंगा। पहनेगा? आओ। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं इससे कह रहा हूँ कि बारू क्या हाल है और ये मुझसे कह रहा है कि वह तो इंगई है, इंगई है। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बारू क्या हाल है और ये कह रहा है कि इंगई है। इंगई है वह। और तुम कहा देख रहा? ये अच्छा दिन देंगे। खत्म। कहाँ पे दिख रहा है? इनका पिक्चर यो दिन चल दिन निकाला यो। हाँ सारे मम्मे। अच्छा पान है इनका पान। मारे पान आए थे इस पर बैठे पाहुने आए थे थारे। आओ थारे शादी हुई क्या? हाँ। रसगुल्ला खाया तूने? हाँ खाया। और रसमलाई? हाँ उसी का इनका गाड़ी उसी की निकाला। अच्छा उसी की गाड़ी है। हमने दे दिया पैसे दिया मिलना। अच्छा अच्छा रसमलाई खाई तूने और क्या खाया? पकौड़ी भी थी। हाँ। और दारू? ना दारू नहीं। दारू नहीं पीता तू? ना। क्यों पिया कर? बेकार बेकार चीज है वो तो। बेकार थी। अच्छा निकालना। अच्छा पंद्रह तीन ने मारा था पंद्रह तीन उसी की हवा का जी। अच्छा अच्छा कुछ नहीं पता है उसे भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है वह क्या कह रहा है। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? बढ़िया जनाब। कहाँ से आए आप? सलेमपुर। सलेमपुर खारी जी। अच्छा गाइस ये मेरा दोस्त था जिसने मुझको मेरी शॉप पर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से चला गया मुझको ड्रॉप करके। छोटा सा व्लॉग था शायद आपको पसंद आया होगा। जय हिंद। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।